अब दहशत में जिएंगे देश के दुश्मन। आसमान से दुश्मनों के हर हरकतों पर होगी भारत की नजर। भारत की तीसरी आंख दुश्मनों के हर हरकतों पर रखेगी नजर। भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण कर दुनिया को भारत की अंतरिक्ष शक्ति से एक बार फिर परिचय कराया है। चंद्रयान 2 के सफल लॉन्चिंग के तुरंत बाद इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने कहा है कि चंद्रयान 2 मिशन के बाद इसरो और उसके वैज्ञानिक आराम नहीं फरमाएंगे, वे और बड़े मिशन को अंजाम देंगे। इसी दौरान डॉक्टर सिवन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा का ऐलान करते हुए कहा कि वे इस साल एक और बड़ा मिशन लॉन्च करने वाले हैं। आपको बता दें कि जब यह मिशन यानी कार्टोसैट 3 लॉन्च होगा तब इससे देश के दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। इसरो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक सितंबर अंत या अक्टूबर के महीने में कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया जा सकता है। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से भारत की जमीन पर नजर रखेगी। आपदाओं में और ढांचागत विकास में भी यह सैटेलाइट मदद करेगा। इसके अलावा इस सैटेलाइट का सबसे बड़ा इस्तेमाल देश की सीमाओं की निगरानी के लिए होगा। पाकिस्तान और उसके आतंकी कैंपों पर नजर रखने के लिए यह सैटेलाइट देश के लिए तीसरी आंख होगी। यह सीमाओं पर नजर रखेगी। दुश्मन या आतंकियों ने हिमाकत की तो इस आंख की मदद से हमारी सेना उन्हें उनके घर में घुसकर मारेगी। कार्टोसैट 3 कार्टोसैट सीरीज का 9वां सैटेलाइट होगा। इसका कैमरा इतना ताकतवर है कि वे अंतरिक्ष से जमीन पर 1 फीट से कम की ऊंचाई तक की तस्वीर ले सकेगा, यानी आपकी कलाई पर बंधी घड़ी पर दिख रहे सही समय की भी सटीक जानकारी देगा। बता दें कि पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के दौरान सेना ने इसी कार्टोसैट उपग्रहों की मदद ली थी।